हेलो दोस्तों, मिराज स्टडी सेवन चैनल पर आप सबका स्वागत है। आइए आज हम देखते हैं कि यूपी टेट, सी टेट, मैथ, एलसीएम एंड एचसीएफ के कुछ क्वेश्चंस जो बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं और उनको बेसिक से देखेंगे। देखिए यहाँ पर 32 तथा 96 का लासा ज्ञात कीजिए। 32 तथा 96 का लासा ज्ञात करने के लिए अगर हम लोग ऐसे ही आंसर देख करके टिक करना चाहें विकल्प से, तो हमको ये पता होना चाहिए कि लासा में क्या होता है। जिसका भी हम लोग लासा निकालते हैं तो लासा जो मिलता है हमको वो इन संख्याओं से डिविजिबल होगा। क्या होगा? डिविजिबल होगा यानी विभाजित होगा। तो 32 से तो ये विभाजित हो जाएगा, डिविजिबल हो जाएगा, अर्थात बी फॉर बॉम्बे हमारा सही होगा। बट आइए हम लोग बेसिक से सॉल्व करके देख लेते हैं। तो 32 हो गया और 96 हो गया, और यहाँ से फिर इसको हम किससे भाग देंगे? सबसे छोटी संख्या 2 से जाएगा, तो ये 16 हो जाएगा, और ये आपका 2 चौका 8, 2 अठे 16 हो जाएगा। फिर यहाँ से 2 अठे 16 हो जाएगा, और 2 दूनी 4 हो जाएगा, और 2 चौका 8 हो जाएगा, और फिर 2 चौका 8 हो जाएगा, और उसके बाद में 2 एकम 2, और 2 दूनी 4 हो जाएगा, फिर 2 दूनी 4 हो जाएगा, और 2 छक 12 हो जाएगा, फिर 2 एकम 2 हो जाएगा, और 2 3 6 हो जाएगा। अब इसे का लासा बराबर अगर हम लोग लिखेंगे तो लासा बराबर हो जाएगा, यानी 5 टाइम आपका 2 है, यानी 2 × 2 × 2 × 2 × 2 और इंटू आपका हो जाएगा 3। तो चलिए गुणा कर लेते हैं, तो 2 × 4 × 8 × 16 × 32 और 32 × 96, यानी हमारा लासा कितना आया, एलसीएम कितना आया, 96 आ गया। ठीक है, आशा करते हैं आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। आइए चलते हैं दूसरे क्वेश्चन पर, ज्ञात करना है। दूसरे वाले क्वेश्चन में देखिए क्या ज्ञात करना है, 9, 36 और 108 का मासा ज्ञात करना है। तो मासा मिस हो जाएगा, मासा का मतलब महत्तम समापवर्तक, ऐसी कॉमन संख्या जिससे ये तीनों डिविजिबल हो, ऐसी कॉमन संख्या जिससे ये 9, 36 और 108 आपका डिविजिबल हो। 36 तो नहीं होगा क्योंकि ये तीनों डिविजिबल नहीं कर पाएगा, ये 9 नहीं डिविजिबल होगा। 9 से क्या होगा, 9 भी डिविजिबल हो जाएगा, 9 चौक 36 भी डिविजिबल हो जाएगा, 9 अकर्णम 9 और 9 दूनी 18, यानी यह भी डिविजिबल हो जाएगा। 343 से इसमें कोई डिविजिबल नहीं होगा, 27 से इसमें केवल आपका ये डिविजिबल हो सकता है, भाग देकर के चेक कर पाएंगे। बट ये सभी संतुष्ट नहीं करते। हमारा संतुष्ट कौन सा कर रहा है? 19 हमको संतुष्ट कर रहा है, इसलिए हमारा विकल्प नंबर बी फॉर बॉम्बे सही है। बट आइए देखते हैं हम लोग इसको सॉल्विंग से कैसे सॉल्व करेंगे। तो 9, 36 और 108 मासा निकालने के लिए ऐसी संख्या का छोटी संख्या आपको खोजेंगे जिससे क्या हो, तीनों डिविजिबल हो। 2 से अगर करें तो ये डिविजिबल नहीं होगा, ये डिविजिबल हो जाएगा और ये डिविजिबल हो जाएगा, इसलिए 3 से करते हैं तो 3 3 9 हो जाएगा, 3 अकर्णम 3 और 3 दूनी 6 हो जाएगा, और यहाँ से 3 3 9 3 6 18 हो जाएगा। तो अब फिर इसके बाद में फिर पुनः हम 3 से काटेंगे तो 3 अकर्णम 3 हो जाएगा, 3 6 12 हो जाएगा, 3 अकर्णम 3 और 3 दूनी 6 हो जाएगा। अब यहाँ पर ऐसी कोई कॉमन संख्या नहीं बचेगी कि जो तीनों को डिविजिबल करे, तो इसलिए मासा इक्वल टू हो जाएगा 3 × 3 = 3 × 9 हो जाएगा। इस प्रकार से हमारा विकल्प नंबर बी अर्थात 9 सही है। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, तो तीसरे क्वेश्चन पर चलते हैं। तीसरा क्वेश्चन है हमारा 7/90, 14/15 तथा 7/10 का मासा ज्ञात कीजिए। तो इस समय सबसे पहले अगर हमको भिन्न में कोई चीज दिया गया है, भिन्न का अगर हम लोग को मासा निकालना है, तो मासा निकालने के लिए सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, इसके अंश का, अगर ऐसा कहीं दिया है तो अंश का क्या निकाल लेते हैं, अंश का मासा निकाल लेते हैं, और हर का क्या निकाल लेते हैं, हर का लासा निकाल लेते हैं। यानी अंश का महत्तम समापवर्तक और हर का लघुत्तम समापवर्तक निकाल लेते हैं। तो 7, 14 और 7 का मासा जो होगा, यानी महत्तम संख्या जो होगी वो क्या होगी हमारी, यानी क्या हो जाएगा, यानी 7, 14 और 7 की महत्तम संख्या यानी मासा बराबर हो जाएगा, मासा बराबर हमारा 7 आएगा। बट और इसके बाद में देख लेते हैं 90, 15 और 10 का मासा बराबर, मासा बराबर इसको हम ज्ञात कर लेते हैं, लगा लेते हैं, इसे लगाने पर, यानी ये लगाने पर हो जाएगा हमारा, चलिए देख लेते हैं, यानी 90, 15 और 10 सॉल्व कर लेते हैं। 2 से पहले कटेगा तो यहाँ पर 45 आएगा यानी 45, और ये आपका नहीं कटेगा, ये आपका 5 हो जाएगा। फिर आपका 3 से देख लेते हैं तो 3 अकर्णम 3, 3 5 15 और 3 5 15 और 5 ऐसे ही रहेगा। फिर 3 से काट लेते हैं तो क्या हो जाएगा, ये 3 5 15 और 5 और 5 ऐसे ही रहेगा।
अब एक बार किससे कटेगा, पांच से ये एक और ये एक आ जाएगा, तो पांच पिया पंद्रह पिया पैंतालीस और पैंतालीस गुना नब्बे, अर्थात यहाँ पर लासा बराबर क्या आ जाएगा, लासा बराबर आपका नब्बे आ जाएगा। यानी ऐसी संख्या लासा मीन्स ऐसी संख्या, अभी हमने आप लोगों को बताया कि जिस संख्या से क्या हो, लासा वह संख्या निकलती है कि वो उन संख्याओं, जिन संख्याओं का हम लोग लासा निकालते हैं उस सारे उन सभी संख्याओं से वो क्या होता है, डिविजिबल होता है। तो 90 से इसमें देखेंगे, 90 से आपका इसमें से कोई डिविजिबल नहीं होगा, ये आपका 90 से डिविजिबल होगा। और इसका मासा क्या होगा, 7 14 और 7 का मासा कितना आएगा, 7 आएगा। तो इसलिए हमारा A इक्वल टू 7 बटे 90 सही है, इसलिए हमारा आंसर होगा A फॉर ऑस्ट्रेलिया 7 बटे 90। दूसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, यानी कि चौथा नंबर क्वेश्चन होगा हमारा, ये नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा चार नंबर क्वेश्चन होगा, 3/8 5/12 तथा 9/16 का लासा ज्ञात करना है। तो जब हमको लासा निकालना होता है, लासा में से लासा निकालना होता है भिन्न का, तो हम क्या करते हैं, उसके अंश का क्या निकाल देते हैं, अंश का लासा निकाल देते हैं और हर का मासा निकाल देते हैं। इतना याद रखिएगा, अगर हमको मासा निकालना है तो अंश का मासा निकालेंगे और हर का लासा निकालेंगे। अगर हमको लासा निकालना है यानी लघुत्तम समापवर्तक निकालना है तो हमको क्या करना होता है, अंश का लासा निकालना होता है और हर का मासा निकालना होता है। तो अंश का लासा क्या होगा, यहाँ पे 3 है 5 है और 9 है, इसको देख लेते हैं, काटते हैं एक बार में, तो ये 2 से तो कटेंगे नहीं, 3 से 3 या करना 3 और यहाँ से 5 ऐसे ही रहेगा, 3 3 9 तो आपका हो गया। यानी अब यहाँ से इसका लासा बराबर आ गया, हमारे पास लासा आ गया 5 3 15 और 3 45, यानी कितना आ गया 45, यानी अंश का लासा कितना आ गया 45 आ गया। मासा ज्ञात करेंगे तो मासा वह संख्या होगी, यानी इसमें से 16 4 16 4 और 12 और 8 से जो इन तीनों को डिविजिबल करेगा वही क्या हो जाएगा, उसका मासा हो जाएगा। तो इसमें 16 से तो इसमें सारे डिविजिबल नहीं होंगे, 4 से सारे डिविजिबल हो जाएंगे, 12 से सारे डिविजिबल नहीं होंगे, 8 से भी सारे डिविजिबल नहीं होंगे, इसलिए 4 से सारे डिविजिबल हो रहे हैं, इसलिए इसकी 8 12 8 12 और 16 का मासा बराबर क्या हो जाएगा, मासा बराबर हो जाएगा 4। आइए सॉल्व करके भी देख लेते हैं, तो सॉल्व करेंगे ऐसी कॉमन संख्या से हमें भाग देंगे जो जिसे सारे कट जाए। तो यहाँ देखेंगे, पहले सबसे पहले 2 से भाग देते हैं, तो 2 4 8 और 2 6 12 और 2 8 16, फिर 2 से जाएगा तो 2 2 4 2 3 6 और 2 4 8। अब देखेंगे ये सभी अलग अलग संख्याएं हैं, किसी एक संख्या से ये नहीं कटने वाले हैं, इसलिए इसका मासा बराबर 2 × 2 यानी 2 × 2 बराबर 4 हो जाएगा। इसलिए हमारा आंसर क्या आएगा, यानी आंसर हो जाएगा हमारा 45/4 आंसर हो जाएगा हमारा 45/4 45/4 हमारा कहाँ है, बी में है, अर्थात बी फॉर बॉम्बे सही है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, 2 पूर्ण संख्याओं का गुणनफल 1500 है तथा मासा 10 है तो लासा बताइए। इसमें एक बहुत ही सरल तरीके से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं, अगर हमको 2 संख्याओं का गुणनफल दिया गया है, अगर हमको 2 संख्याओं का गुणनफल दिया गया है और उसके बाद में मासा या लासा में से कोई एक दिया गया और एक ज्ञात करना है, तो जो भी दिया रहे दोनों में से उसी से उस संख्या में क्या कर देना है, भाग कर देने से जो नहीं दिया रहेगा हमको मिल जाएगा। मासा दिया है तो मासा से भाग दे देंगे तो लासा मिल जाएगा, लासा दिया है तो लासा से भाग कर देंगे तो क्या मिल जाएगा हमको, मासा मिल जाएगा। तो आइए देखते हैं, इसका एक फार्मूला होता है, यानी 2 संख्याओं का गुणनफल बराबर लासा गुणे मासा। अब इसमें हमको 2 संख्याओं का गुणनफल दिया है 1500 और उसके बाद में यहां से लासा दिया, लासा हमको ज्ञात करना है और मासा दिया है 10। तो जब 10 से यानी इससे 10 कट जाएगा तो हमारे पास लासा इक्वल टू बचेगा 150, 150 ही हमारा आंसर हो जाएगा। तो 150 हमारे विकल्प नंबर ए में उपस्थित है, इसलिए हमारा ए फॉर ऑस्ट्रेलिया सही है। अगला क्वेश्चन है हमारा, 2 संख्याओं का लासा 31 तथा मासा 15 है तो संख्याओं का गुणनफल ज्ञात कीजिए। पहला हमारे पास 400, बी हमारे पास 435, सी हमारे पास 465 और डी हमारे पास 475 दिया गया है। इसमें से कौन सा आंसर हमारा सही होगा, ये देख लेते हैं। फार्मूला हमको याद है, 2 संख्याओं का गुणनफल बराबर 2 संख्याओं
का गुणनफल बराबर बराबर होता है लासा और गुड़े मासा। तो लासा हमारे पास कितना है, लासा हमारे पास 31 है और गुड़े मासा कितना है, 15 है। मल्टीप्लाई कर देते हैं 15 × 15, हाँ कैरी आ गया 1 और 15 × 45 और 146, यानी हमारे पास मिल गया 465। और 465 हम देख लेते हैं कौन से विकल्प में मौजूद है, विकल्प नंबर सी में मौजूद है, इसलिए हमारा सी फॉर चेन्नई सही है। आशा करते हैं आप लोगों को यह वीडियो समझ में आ रहा होगा। अगर आप लोगों को दोस्तों समझ में आ रहा है तो हमारे वीडियोस को शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि आने वाले और वीडियोस का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको प्राप्त हो। अगला क्वेश्चन है हमारा, दो संख्याओं का योग 1584 है तथा मासा 44 है, इन संख्याओं को संतुष्ट करने वाले कितने जोड़े संभव है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको बहुत ही लाजवाब तरीके से हम लोग सीखेंगे। यानी दो संख्याओं का योग 1584 है तथा मासा 44 है, इन संख्याओं को संतुष्ट करने वाले कितने जोड़े संभव हैं। आइए देखते हैं, तो हम इसमें अभीष्ट जोड़ों की संख्या निकालते हैं। अभीष्ट जोड़ों की संख्या बराबर, अभीष्ट जोड़ों की संख्या बराबर हो जाएगा दो संख्याओं का योग, यानी संख्याओं का योग यहां पर लिख सकते हैं संख्याओं का योग, संख्याओं का योग बटे दो गुणे मासा, दो गुणे मासा। तो संख्याओं का योग कितना है दिया है हम लोगों को 1584 और बटे दो गुणे कितना हो जाएगा मासा हमारे पास है 44, तो यहां से हो जाएगा 1584 बटा 88। अब 1584 बटा 88 में 1584 में 88 से भाग दे देते हैं, ऐसे भाग दे करके देख लेते हैं 1584 देख लेते हैं कितना आता है, तो 88 × 88 ऐसे ही, यहाँ पर ज़्यादा भाग देने की आवश्यकता नहीं, हमको तुरंत ही पहला अंक एक इसी सी में मिल रहा है, यही सही होना चाहिए। तो यहाँ से हो गया हमारा 0 और 15 में से 8 जाएगा 7 हो जाएगा और यहाँ से 4 हो जाएगा और 8 बार जाएगा तो 8 × 64 हो जाएगा और 8 × 64 और 6 × 70 हो जाएगा। इस तरीके से ये कट गया, यानी आ गया आंसर हमारा कितना आया 18, यानी अभीष्ट जोड़ों की संख्या कितनी हो गई 18 हो गई, अर्थात हमारा सी फॉर चेन्नई सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोगों का, ऐसी संख्याओं के कितने जोड़े होंगे जिनका मासा 16 तथा लासा 136 होगा। तो अभी अभी इसके पहले वाले क्वेश्चन में हम लोगों ने देखा कि जोड़े कितने, अभीष्ट जोड़ों की संख्या बराबर फार्मूला होता है, अभीष्ट जोड़ों की संख्या बराबर फार्मूला होता है कि संख्याओं का योग बटे दो गुणे मासा। ऐसे संख्याओं का योग हमको पता नहीं है, इसलिए इसमें कह रहा था कि केवल एक, केवल दो, बहुत सारे ना एक होंगे, ना केवल दो होगा, ना बहुत सारे होंगे, बल्कि इसमें क्या होगा एक भी जोड़ा नहीं संभव होगा। यानी अगर हम लोग फार्मूले के अकॉर्डिंग देखें तो इसमें हमारा एक भी जोड़ा संभव नहीं होगा। लासा और मासा चाहे जितना दिया रहे तो इसमें हम लोग कन्फर्मली ऐसे ही डायरेक्टली लिख सकते हैं कि इसमें एक भी जोड़ा संभव नहीं होगा। आशा करते हैं आप लोगों को मेरा यह वीडियोस छोटा सा प्रयास बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। दोस्तों अगर आप लोगों को समझ में आया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और बेल आइकन जरूर दबाएं और ज़्यादा से ज़्यादा सहयोग दें।